नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई मेड इन इंडिया वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील के साथ खड़ी हुई देश की कई कंपनी और इसमें कुछ विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, लेकिन जिनका अच्छा खासा इंडियन मार्केट में प्रोडक्शन चालू है। और इन सभी कंपनियों का सिर्फ एक मकसद है कि चीन में एक्सपोर्ट होने वाले या फिर इंपोर्ट होने वाले स्टील में 6 से लेकर 19% तक की कटौती करना, जो कहीं ना कहीं चीन को बायकॉट करने वाली है और साथ ही साथ मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम होने वाला है। जानेंगे इस वीडियो में हम सारी जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों पिछले बीते हुए कुछ समय में हमने देखा कि टाटा स्टील की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें जिंक के प्रोडक्शन को लेकर के, साथ ही साथ बैटरीज के प्रोडक्शन को लेकर के, और इसी के साथ में स्टील के प्रोडक्शन में चीन से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कई हद तक बैन किया गया, जो कि टाटा स्टील की तरफ से बहुत बड़ा कदम है बायकॉट करने में चीन को। तो इन्हीं सब के साथ में भारत की कई कंपनियां इसके साथ में खड़ी हुई हैं, जिसमें पहली कंपनी का जो नाम निकल के आ रहा है वह आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडाल्को ग्रुप, जो कि स्टील में कटौती करने वाली है चीन को होने वाले एक्सपोर्ट को, और इसके साथ में इनका जो स्टील है वो इंडियन मार्केट में जाएगा, जिससे जो है प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट के वो यहीं पे बनाए जाएंगे और वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे दूसरे देशों में, जिससे हमें विदेशी करेंसी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर हम दूसरी कंपनी की बात करें जो कि यूके बेस्ड वेदांता कंपनी है, जो कि इंडिया के अंदर एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ऑयल एंड गैस इन सभी का प्रोडक्शन करती है, और इन्होंने फैसला लिया है कि ये 6 से लेकर 19% तक कटौती करेंगे चीन में होने वाले प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को लेकर के। दोस्तों वहीं पर हम अगली कंपनी की बात करें तो यहाँ पर है JSW स्टील, जो कि इंडिया की कंपनी है, और यहाँ पर इनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट की गई है कि ये 6 से लेकर 15% तक की स्टील में कटौती करने वाले हैं, जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है चीन को। और इसी के साथ में यहाँ पर कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया कि ये किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों व्यापार तो बराबर रखना है, इसलिए अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन चीन को बायकॉट कर दिया जाएगा, क्योंकि चीन हमसे स्टील लेकर के उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स हमें उससे भी ज़्यादा दामों पर बेचता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो स्टील है वो हमारे लोकल मार्केट में जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और ये प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया के साथ साथ बाहर भी यूज़ किए जाएंगे, जिसे आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों ये कंपनियों की तरफ से कई अच्छे फैसले लिए गए, हम उम्मीद करेंगे देश की और भी जितनी बड़ी छोटी कंपनियां हैं सब मिलकर काम करें और इस तरीके से मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देती रहें। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।